बॉलीवुड की एक और ऐसी सीरीज आ गई जो प्रोपेगेंडा से भरी हुई है और इस सीरीज के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की छवि को साफ करने की कोशिश की है। बताया है कि देखो पाकिस्तान और आईएसआई कितने ज्यादा अच्छे हैं, ये कहीं से भी आतंकवादी हमले के अंदर इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है, इनको धक्के से वहां पर खींच लिया जाता है, आईएसआई का कोई भी आतंकवादी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं IC 814 अंधार हाईजैक वेब सीरीज के बारे में। इसके अंदर 6 एपिसोड है, इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। जब इस सीरीज का ट्रेलर आया था यूट्यूब पर, मैंने इसको नहीं देखा था, पता नहीं मैंने इस सीरीज को एक्चुअल में मतलब कंप्लीट करने की क्यों सोची, मेरा दिमाग खराब था वाकई में। तो एक बार इस सीरीज की कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें इस सीरीज में क्या देखने को मिलने वाला है। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू नेपाल से एक फ्लाइट, इंडियन एयरलाइन की एक फ्लाइट जो है वो दिल्ली आनी थी और उसको हाईजैक कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। अब इन आतंकवादियों की एक मांग होती है कि वो कुछ आतंकवादी जो भारत के अंदर बंद है उनको निकलवाना चाहते हैं, उनको छुड़वाना चाहते हैं ताकि मिलकर कोई और बड़ा प्लान कर सके। अब यहां पर भारत के जो लोग हैं या फिर भारत की जो एजेंसीज हैं, जो सीक्रेट एजेंसी यानी जैसे रो होगी, आईबी होगी या भारत सरकार, कैसे इन आतंकवादियों के साथ वार्तालाप करती है, कैसे ये भारत के जो नागरिक हैं 191 जो प्लेन के अंदर जो नागरिक थे उनको कैसे वो सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आती है, इवन एक की डेथ हो जाती है। ये सारी चीजें आप सोचोगे कि मैं पहले ही क्यों बता रहा हूं कि हमारा मजा किरकिरा कर दो, ये सारी चीजें ऑलरेडी नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इसमें एक तरीके से वो चीजें दिखाने की कोशिश की कि कैसे वार्तालाप स्टार्ट होती है आतंकवादियों के साथ भारत सरकार की। और यहां पर इस सीरीज की शुरुआत में एक लाइन बोली जाती है कि ये हाईजैक कैसे हुआ, इसका ये जवाब देती तो नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गई इस सीरीज की कहानी। अब बात करते हैं इस सीरीज में अच्छा गया और बुरा गया। अच्छे की बात करूं तो देखो इस सीरीज के कंप्लीट सीजन मतलब कि सारे के सारे एपिसोड देखने के बाद मुझे एक कोई ढंग का सीन भी नहीं लगा जिसको मैं ये कह सकूं कि ये सीन काफी ज्यादा बढ़िया है और यहां पर ये बात अच्छी बोली गई, नहीं कहीं पर भी नहीं। पूरी की पूरी सीरीज जो है वो सरदर्द कर देती है और इवन इस बार बॉलीवुड ने तो ऐसी कोशिश की है कि सरदर्द के अलावा कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की छवि को साफ करें, ये बताएं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनपाता नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, बहुत बेचारा देश है, इवन वो तो हेल्प करता है ताकि आतंकवाद को खत्म किया जा सके। IC 814 के जो कैप्टन थे देवी सरन, उनकी एक बुक है 2000 के अंदर आई थी, फ्लाइट इन फियर, एक कैप्टन स्टोरी, जहां पर आई विटनेस की बातें बोली गई थी, उनकी बातें बताई गई हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें सही, क्या क्या उन्होंने देखा। लेकिन उस बुक में जो बातें बोली गई वो एक भी चीज जो है वो इस सीरीज के अंदर नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड का कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा था, एक जो छवि साफ करनी थी पाकिस्तान की, शायद वो ना हो पाती। अब जरा एक बात सोचिए कि आज की जनरेशन के युवा हैं उनको इस जो हाईजैक है इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो इस सीरीज को देख लेते हैं तो उनके मन में क्या ही जाएगा, क्या सोच उनके मन में बनेगी। वो यही सोचेंगे कि देखिए पाकिस्तान बहुत बेचारा देश है, वो आतंकवाद को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इवन वहां के जो लोग हैं वो आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इवन एक ऐसा सीन इस सीरीज के अंदर दिखाया गया जहां पर एक पाकिस्तानी नागरिक कुरान में से कुछ बातें बोलकर आतंकवादी को कहता है और बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इससे जो आतंकवादी है उसका मन पिघल जाता है और वो कुछ लोगों को छोड़ देता है। और फिर वो बात में जो जिसने कुरान की बातें बोली होती हैं, जो पाकिस्तान का नागरिक होता है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से हूं, बहुत गर्व से वो बात बोलता है, जिसमें ये साफ देखने को मिलता है कि देखो ये पाकिस्तान के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर वो सब चीजें नहीं दिखाई गई जहां पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के द्वारा ये बात बोली गई थी कि ISI का अगर इंटरफेयर नहीं होता तो हमारा ऑपरेशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाता, लेकिन नहीं, ये सब चीजें दिखाने से बॉलीवुड का जो प्रोपेगेंडा है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। ISI के एजेंट्स का वहां होना, ISI के एजेंट्स के द्वारा भारत सरकार के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनका आतंकवादियों तक वो चीजें पहुंचाना, तो ये सब चीजें ऑलरेडी नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर वहां पर पढ़ेंगे आपको पता भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ चीज छुपी हुई है, मैंने कहीं से सीक्रेट डॉक्यूमेंट पढ़ लियो, नहीं, ये सारी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप जाकर पढ़िए उन चीजों को। किसी भी ऐसी घटिया सीरीज के ऊपर यकीन करने से बेटर आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए जहां पर आपको लगे कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ गलत दिखाने की कोशिश करें। इवन जैसा इस सीरीज के अंदर हुआ है, भारतीय एजेंसीज को कितना ज्यादा गलत दिखाने की कोशिश की गई है, जहां पर यह बताया गया कि जो भारतीय एजेंसीज हैं जैसे कि रो होगी, आईबी होगी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो होगी, यहां के जो ऑफिसर्स हैं वो भारत के लोगों की जान की कोई भी परवाह नहीं करते, उनको परवाह है कि वो आज क्या पिएंगे, क्या आज वो कॉफी पिएंगे या फिर वो चाय पिएंगे, क्योंकि कॉफी से शायद उनको परहेज है इसलिए वो चाय को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और सारे ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पीने के लिए यहां पर आए हुए हैं, उनको सिगरेट से ही प्यार है। पूरी सीरीज के अंदर आईबी और रो के जो एजेंट्स हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं वो आपको सिर्फ सिगरेट पीते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड तो इस हद तक चला गया कि उन्होंने आतंकवादियों की भी
छवि साफ करने की कोशिश की है। इस सीरीज के अंदर दो व्यक्ति जो आतंकवादी हैं, उनका भोला, एक का नाम भोला और एक का नाम शंकर दिखाया गया। एक तरीके से यहाँ पर हिंदुइज्म को इन्होंने खींच लिया। क्यों शर्म आती है कि तुम लोगों को ये बताने में कि जो ये आतंकवादी थे वो मुस्लिम थे? तुमसे सच्चाई नहीं बोली जा रही यार, कितने ज्यादा चाटुकार हो यार, चाट चाट के थक नहीं गए क्या? और इस सीरीज के अंदर जो डायलॉग सुनने को मिले, सच में उनको सुनकर तो कानों से खून निकलाएगा। एक व्यक्ति जो आतंकवादी है वो एक बच्चे को थप्पड़ मार देता है, फिर उसकी माँ उठ के कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती, तुझे तमीज नहीं है इस बात की कि एक बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? अरे वो आतंकवादी है वहां पर, वो कोई तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदारी खेलने नहीं आया जो तुम्हारी बात सुनेगा और वो तो थप्पड़ नहीं मारेगा। इतने घटिया, इतने वाहिया डायलॉग बनाए गए हैं, लिखे गए हैं इस सीरीज के अंदर। और इवन आतंकवादियों को इतना प्रेमी दिखाया गया है, वो लोगों के साथ बहुत सही से बात भी करते इसके अंदर नजर आते हैं। इस हद तक चले गए हैं बॉलीवुड ये दिखाने के लिए कि देखो ये आतंकवादी कितने अच्छे हैं, कि जो बंदी बनाए गए जो लोग हैं उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हैं, वो उनको उनकी परवाह कर रहे हैं, किसी को चोट लग गई है उनकी परवाह कर रहे हैं कि अरे यार इसको चोट लग गई, किसी को उल्टी हो रही है तो उनकी वहां पर परवाह कर रहे हैं, अरे इसको उल्टी हो रही है, कमाल हो गया। और इवन ये आतंकवादी जो है, जो बंदी बनाए गए लोग हैं, उनके साथ अंताक्षरी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो मतलब ये कहां पर चीज पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के अंदर पॉसिबल है, जो एक तरीके से आतंकवादियों की, पाकिस्तान की, ISI की छवि साफ करने में लगे हुए हैं, और भारत के जो रोके और IB के जो ऑफिसर्स हैं उनकी छवि बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनको एक नेगेटिव शेड के अंदर दिखाने की कोशिश की है। इसके अंदर लिटरली आपको देखने को मिलेगा कि यार जो रोके और IB के जो ऑफिसर्स हैं वो कितने ज्यादा नकारा हैं, कितने ज्यादा जोकर लग रहे हैं। इस सीरीज के अंदर उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, वो भी तालिबान के सामने। इन्होंने ये चीजें दिखाई हैं कि तालिबान और पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, और इवन जो लोग थे वो मुस्लिम ही नहीं थे, उनका किसी और धर्म से लेना देना था, और जो लोग आए थे इवन वो इस ग्रह के नहीं थे, वो किसी दूसरे ग्रह के थे। कमाल है यार, सच कह रहा हूँ कि दिल से इनको गाली देने का इतना ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन शब्दों की मर्यादा के कारण अपने आप को रोक के बैठा हूँ। इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार इस सीरीज के अंदर हैं, लेकिन उनका सही से रत्ती भर भी यूटिलाइज नहीं किया गया है। मेरी तरफ से तो देखो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 0/10। अगर आप लोग सोच रहे हो ये सीरीज देखने की, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। इन जैसी वाहियात प्रोपोगंडा वाली सीरीज से दूर ही रहो। अरे सच्चाई दिखाने के अंदर इनके अंदर हिम्मत नहीं होती। हर बार ये जो बॉलीवुड है, चाहे वो मूवीज लेके आए, चाहे वो सीरीज लेके आए, उनके अंदर हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं, फैक्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। और इवन मैं कहूंगा कि किसी भी इन जैसी सीरीज या मूवीज से, या फिर इवन मेरे जो वीडियो बना रहा हूं, मेरी बातों पे आने से पहले भी आप रिसर्च करिए, आप खुद अपने बलबूते के ऊपर जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तभी आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनाते हैं। ये व्हाट्सएप से ज्ञान लेकर या इन बॉलीवुड की मूवीज से या सीरीज से सीख कर अपने आप को ज्ञानी मत समझना। तो देखो जिन्होंने ये सीरीज देख ली है तो प्लीज कमेंट करना कि कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।